हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं तेजस्कल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग का चिरुआ क्रॉस पैकेट कैसे बनाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो पल्ला है, चार पल्ला होता है जो पैंट का, उसी चार पल्ले में सबसे पहला इस तरीके से आप लोग का क्या करना होगा कि वो वाला करना होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको पूरे के पूरे ओवरलॉक करना होगा। पूरी इस तरीके से चारों तरफ चारों पल्ला का ओवरलॉक करना होगा। और जो ये क्रॉस पॉकेट है, देखिए क्रॉस पॉकेट का जो ये निशान है, ये और ये वाले, देखिए इसमें यहाँ से इतना छोड़ना है और यहाँ से ओवरलॉक करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको ओवरलॉक करना है और इसको हाफ तक करना है। इसमें कुरी भी लगा सकते हैं आप, ओवरला कर सकते हैं और हाफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेफ्ट फ्लाई बचने वाला है। तो इस तरीके से हमें इसको ओवरला करना है। ओवरला करने के बाद अब क्या करना है, हमें पॉकेट को करना है कि ये 35.5 इंच का कम भरे, तो हम इसके हिसाब से इसका साइड पॉकेट कट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने साइड पॉकेट के लिए 14 इंच का इसका लंबाई लिया हूँ। ये 14 इंच का लंबाई है। तो अब हम किस तरीके से इसको कट करते हैं ये मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं जो ये वाले हैं इसको मैं नाप के दिखा देता हूँ कि ये वाले लगभग 7.5 का है। ठीक है, 7.5 का है, 7.5 तक रख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये वाले अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ कि इसको यहाँ से मैं ये, क्योंकि इसका जो पॉकेट का जो साइज है वो इस तरीके से इसको मिलना है। देखिए दोस्तों, इस वाले को इस तरीके से सीधा मिलाना है और यहाँ ऊपर तक इसका, ये 14 इंच का है और इसको यहाँ देखिए कितना यहाँ आगे आ रहा है, इसके आगे कितना आ रहा है ये देखिए यहाँ। और इसको इस तरीके से हल्की सी इस तरीके से इसको यहाँ तक मिलाना है और यह इसका इतना इसका छोड़ देना है इतना। और इसको देखिए इस तरीके से मिलाना है और ये वाले इस तरीके से इसको मिलाना है। सबसे पहला इसको मिला के इसी ये राउंड जो है आगे वाला का, इसी राउंड पर इसका ये कट करना है। इसी राउंड पर इसको ये हमें इस तरीके से इसी तरीके से इसको हम ये राउंड कट कर देना है। तो दोस्तों देखिए, ये वाला राउंड हमारा इसी हिसाब से कट हो गया। ऊपर नीचे देखिए, ये इसका ये अब निकलना है। और ये जो ये मैं थोड़ा मार्जिन करके दिखा देता हूँ, ये मार्जिन वाला जो है ये एक किनारी का हिस्सा है। ठीक है, और ये दोनों तो अभी तो बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये बराबर है। और ये जो किनारी का जो ये हिस्सा है, इस पे हमारा जाती पीस रह जाता है, तो इसको थोड़ा 1/2 इंच बड़ा करना है अंदर वाले से। देखिए दोस्तों, ये अंदर वाले जो है, ये अंदर वाले जो है ये वाला, ये तो हमारे किनारी का हिस्सा है और ये जो अंदर वाले हैं ये किनारी से 1/2 इंच छोटा रखना है। ये जो किनारी पीस है इससे 1/2 इंच कम रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मिला के इसको ये 1/2 इंची इससे 1/2 इंची कम रखना है। इसी तरीके से मिला के इसको देखिए, ये 1/2 इंची इससे 1/2 इंची छोटा है। ऊपर नीचे पूरे देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तक पूरा 1/2 इंची इससे छोटा है। तो अब हम क्या करना होगा, यहाँ से इस तरीके से कट करना है और यहाँ से
कट करने के बाद इस तरीके से इसको राउंड देते हुए इसको यहाँ राउंड शेप पर पहले इसका एक इस तरीके से सीधा कट करना है देखिए, और यहाँ से इसको हल्की सी किस तरीके से आप राउंड शेप देते हैं उसी तरीके से आप इसको राउंड शेप पर इस तरीके से इसको कट करना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, और इसका इतना लंबा छोड़ना है मतलब हाफ इंच इसका जो ये है इससे हाफ इंच छोड़ना है। तो अब हम जाति पीस रखते हैं थे जो इसका कट है ना इस कट से थोड़ा आगे से लेकर जाना है, ये पूरा हाफ इंच से नहीं लेकर जाना है। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर जाति पीस लगाते हैं, इस तरीके से आप समझ गए। तो हम अब इस पर अपना जाति पीस किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा किनारे का हिस्सा है, यहाँ पे हमने यहाँ से इधर से हाफ इंच ज़्यादा रख लिया है, और ये जो कट वाले हिस्सा है देखिए दोस्तों ये कट वाले हिस्सा है, और ये हमारा पैंट का जाति पीस है, और ये उल्टी तरफ है और ये आगे के तरफ से है। तो अब हमें इसको ये बिल्कुल अब जो देखिए बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे बराबर करके इस तरीके से, और ये वाले जो हिस्सा है ना इससे थोड़ा आगे इस तरीके से, इससे थोड़ा आगे, इससे 200 आगे, ये जो कॉर्नर है ना ये वाले कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर से 200 आगे से इसको इस तरीके से बिठाना है, समझ रहे हैं दोस्तों। बिठाने के बाद अब इसको इस तरीके से बिठाने के बाद यहाँ जो ऊपर ऊपर हमने बराबर किया, और यहाँ पे इसे थोड़ा मोड़कर इसके सिलाई लगाना है, इस तरीके से इसका यहाँ से सिलाई लगाना है। बिल्कुल आराम से इसको सिलाई यहाँ से लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल आराम से सिलाई लगाइए। अब क्या क्या करना होगा वो मैं आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से मोड़ मोड़ के इस तरीके से आप इसको सिलाई कीजिए। और ये इसको भी सिलाई लगाइए, और इसको यहाँ तक इसका हाफ तक, यहाँ से पूरा का नहीं ये हाफ तक इसका सिलाई कीजिए, बाकी का इसका इस तरीके से छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको यहीं तक सिलाई करना है। अरे ये जितना ये हाफ इंच यहाँ से ये पूरा से लगभग ये एक इंची सवा एक इंची ज़्यादा मैंने ये छोड़ दिया है, यहीं तक आपको सिलाई करना है। इसी तरह से दूसरी पॉकेट में भी आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। इस तरीके से दोनों पॉकेट में इस तरीके से हमने इसका जाति पीस अटैच किया। अब हम इसको सबसे पहला बैग जैसा बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों कॉर्नर को मिलाना है, इसको इस तरीके से बराबर नहीं करना है, देखिए इस तरीके से बराबर करके नहीं, इसको जिस तरीके से हमने कट किया हाफ इंच ज़्यादा करके इसी तरीके से ये वाले कॉर्नर से आपको यहाँ से जो कॉर्नर है वहीं से आपको सिलाई लगाना है। इस वाले कॉर्नर से आपको सिलाई लगाना है बिल्कुल दोनों कपड़े का। देखिए इस तरीके से इसको मैंने जिस तरीके से मैंने ये कॉर्नर से सिलाई लगाया हूँ, देखिए इसको सिलाई नहीं लगाया हूँ, इसको बिल्कुल मैंने ओपन रखा है रखा हूँ। इसी तरीके से ये कॉर्नर को इस तरीके से कट कीजिए, और इसको यहाँ से छोटे छोटे कट लगा के इसके पूरा पहले पैकेट पॉकेट बनाइए,
और पॉकेट बनाने के बाद आपको इसको अटैच करना होगा अपने पल्लाई में। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देखिए, इसको बाद में आयरन भी कर सकते हो इस तरीके से। ये जो ओपन है देखिए यहाँ पे, इसको ओपन ही रहना दीजिए और यहाँ पे मिलाइए आराम से यहाँ पे, और जहाँ से आपने इसका सिलाई लगाया है एक ये कॉर्नर वाले हिस्से से, इसी कॉर्नर से इसको इस तरीके से जिगजा करके, यहीं से इसको जिगजा करके यहाँ से इसको इस तरीके से आराम से सिलाई लगाइए। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसको बिल्कुल आराम से सिलाई लगाइए। देखिए इस तरीके से इसी कॉर्नर से देखिए, और यहाँ पे मैंने ओपन ही छोड़ दिया हूँ, और इसको इसी तरीके से फोल्ड करके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आयरन लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाया हूँ, और ये इससे इस वाले से ये हाफ इंच ही क्या हो रहा है, ज़्यादा है। इसी तरीके से दूसरे को भी, इसी तरीके से दूसरे पकड़ को भी सिलाई लगाइए। इस तरीके से दोनों पकड़ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको किस तरीके से हम पकेट क्रॉस पकेट बनाएंगे वो भी चिरुआ आप लोग को पूरा मैं बता रहा। देखिए ये जो ज़्यादा हुआ ये हिस्सा है, मतलब जिस पर हमने ये क्रॉस पॉकेट का जाती पीस हमने यहाँ पे अटैच किया, और ये जो कपड़े है ऊपर वाले ये हम इस तरीके से मिला के, देखिए पूरी कपड़े पर इस तरीके से पहले से हमको ओवरलॉक करना है अगर चिरुआ बनाना है तो। और हमने जिस तरीके से हमने यहाँ पे मिलाया है फर्स्ट में, सबसे पहले कट करते वक्त इसका ये जो साइड वाले इस तरीके से ऊपर इस तरीके से मिला के इतना छोड़ना है, और इस तरीके से इसको यहाँ से मिला के, और यहाँ देख नीचे देखिए, और इसमें भी आपको कहाँ तक आ रहा है इसको इस तरीके से थोड़ा इधर खींचिए, अरे इसके ऊपर मिलना चाहिए ये वाले हिस्से कपड़े से आपको ये मिलना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ से इस तरीके से, इस वाले से बाहर आना नहीं चाहिए, इस वाले से थोड़ा अंदर ही आना चाहिए इसको, ये वाले कपड़े इसको इतना तक आना चाहिए, ठीक है। ये वाले कपड़ा जो है इस तरीके से रखना है, ठीक है। अरे यहाँ एक कट है और यहाँ पे एक कट है, ठीक है दोस्तों। अरे ये दोनों कट के अब आप हमारा अपना पाइपिंग वाले जो कपड़ा होता है क्रॉस पॉकेट का, ये पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरीके से मिलाना है, दोनों इससे मिला ये दोनों कट पर इस तरीके से मिलाने के बाद, और ये वाले कपड़े को छोड़कर, नीचे वाले को छोड़कर इस तरीके से ऊपर वाले ही हमें सिलाना है, सिलाई लगाना है इस तरीके से, ऊपर वाले ही सिलाई लगाना है क्योंकि हमें सबसे पहला पाइपिंग निकालना होता है। इस तरीके से आराम से दोनों कट पर तक, दोनों कट ऊपर नीचे का कट पर मिला के इस तरीके से सिलाई लगाना है। ये हम नीचे वाले कपड़े में हमें नई सिलाई नहीं लगानी चाहिए, ये जाती वाले में सिर्फ यही पल्ले पर इसको अब हम कट कर देंगे, और जो जिस पर हमें जाती को सटा लिया है, जाती को सिलाई लगा है उस पर हमें सिलाई लगाना नहीं चाहिए अभी, और इस तरीके से इस पर छोटी छोटी कट लगाना है, और आपको इस तरीके से नाखून से इसको थोड़ा इस तरीके से रगड़ना है ताकि अच्छे तरीके से पाइपिंग निकल जाए इस तरीके से। अब कितना पाइपिंग निकालना है ये इस तरीके से पाइपिंग निकालना है दोस्तों। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं दूसरे तरीका का, एक क्रॉस पॉकेट में जिस पर हम यहाँ सिलाई जो लगाते हैं वो सिलाई नहीं दिखने वाला, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो बना के डाल दिया हूँ, बोन वाले जो बोन में हम सिलाई अंदर की तरफ से छुपा के हम सिलाते, इसी तरीके से इसमें भी किस तरीके से सिलाई ना दिखने वाला क्रॉस पॉकेट बनाते वो भी मैं आप लोग को बाद में सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये चिरुआ
क्रॉस पकेट यही सीख लीजिए। इस तरीके से आपको कितना पाइपिंग चाहिए, कितना मोट चौड़ा पाइपिंग चाहिए, आपका चॉइस का हिसाब से कितना चाहिए मोटा पतला, उसी का हिसाब से इसको इस तरीके से सिलाई कीजिए, लगाइए। देखिए इस तरीके से इसको पहले पाइपिंग निकाल के सिलाई आराम से इसके ऊपर सिलाई लगाइए। देखिए इस तरीके से आप इसके यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से इधर लेकर आइए। इधर लेकर आने के बाद अब इसके यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच के यहाँ पर भी इसके सिलाई लगाइए। इस तरीके से इसको देखिए ऊपर नीचे देखकर इस तरीके से इसको सिलाई लगा लीजिए। अब सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, अब इसको देखिए ये जो जाती वाले हो ये इसको इस तरीके से मिला के अब पॉकेट किस तरीके से बैठता है उसको पहले मिला लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से पॉकेट ये नीचे भी देख के इसको इस तरीके से देखिए बिल्कुल कहाँ पे बैठ रहा है पॉकेट, आराम से कहीं पे एकदम बिल्कुल मिला के पहले पॉकेट कहाँ पे बैठ रहा है वही चेक कीजिए। इस तरीके से पॉकेट बैठ रहा है देखिए, अरे ये वाले ओपन ही है, ये वाले जो हिस्सा है ये ओपन ही है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक सिलाई नहीं लगाया हूँ। देखिए इस वाले से इस तरीके से मिला के, अरे ये जो है कपड़े देखिए इस ये वाले इस तरीके से मिलाया हूँ मैंने, जिस तरीके पहले मैंने बताया यही मिलाने के लिए अभी तक मैंने यहाँ पे मिलाया हूँ। और इस तरीके से मिलाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप जिस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं इस तरीके से डायरेक्ट है ना, लगाने से क्या होगा ये दोनों को यहाँ तक भी इसको सिलाई लगेगा, लगने के बाद वो चिरुआ नहीं बनेगा। तो इसको क्या करना होगा, जो हमने ये कपड़े का जो एक्स्ट्रा भाग लिया है ना यहाँ पे सिलाई, ये सिर्फ यहाँ पे सिलाई किया और यहाँ छोड़ रखा है ना, जो ये इसी के लिए हमने रखा है, तो हमको ये सिर्फ इसी सेम कपड़े वाला का जो जाती है इसी पर इसको पकड़ना है, और जो ये पॉकेटिंग का कपड़ा है इसको हमको इसको इस तरीके से पकड़ के इसको वाले को हमको इस तरीके से छोड़ना है, ठीक है। दोस्तों छोड़ने के बाद आप यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही अटैच करने के लिए उसको हाफ तक हमने सिलाई छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों अब इसी को ऊपर सिलाई लगाना है लेकिन नीचे वाले उसमें नहीं, और ये यहाँ भी हमको क्या करना होगा, जो ये हमने इतना हम छोड़ के रखा है ना इसके ये पूरे के कपड़ा के यहाँ पे हम इस तरीके से इसको इस तरीके से हमको उल्टा करके रखना है, इसको पूरे उतरे हटा के रखना है, और सिर्फ यही वाले सिर्फ एक पीस जो इसका पॉकेट का एक पीस जो है इसी के ऊपर यहाँ से आराम से सिलाई लगाना है, इस तरीके से इसके ऊपर आराम से सिलाई लगाना है, यहीं पर इसी तरीके से इसको सिलाई लगाना है और ये वाले को इस तरीके से कट करना है। देखिए दोस्तों यहीं पे हमने सिलाई लगाया है, देखिए इसको, और ये जो है हमने छोड़ कर रखा इसको हमने सिलाई नहीं लगाया है, इसको छोड़ना है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से मिलाना है। देखिए दोस्तों अब सिर्फ हमने ये वाले में सिलाई लगाया है, सिर्फ इस पर सिलाई लगाया है, देखिए इसमें सिलाई लगाया है, लेकिन इस पर हमने कुछ भी सिलाई नहीं लगाया, इसको हमने छोड़कर रखा है। इस तरीके से हमने सिलाई लगाए और यहाँ पे हमने अटैच किया है देखिए, और इसके बाहर नहीं दिख रहा है, ये अंदर की तरफ से यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये अंदर की तरफ है। अब इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है, इसमें पर हमने सिलाई लगाए इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद अब इसको भी
खींचना है इसको, यहाँ पे सिलाई यहाँ पे एक उंगली से इस तरीके से प्रेस करके इसको ऊपर वाले खींचना है, इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से इसको हल्का से नॉन जैसा देकर इसको ऊपर खींचना है, देखिए, ताकि बाद में ये इस तरीके से ना उठे, ठीक है। इसको इस तरीके से इसको उठा के ये दोनों ऊपर नीचे सबको इसको अटैच करके इस तरीके से ऊपर से हाफ इंच नीचे तक सिलाई लगाना है। इसको सिर्फ नीचे वाले को हमने इसको पूरा सिलाई नहीं दिया है, लेकिन ऊपर वाले पूरा सिलाई दे देंगे हम। इस तरीके से ऊपर को हमने इस तरीके से सिलाई हमने लगा दिया है। देखिए ये ऊपर वाले हिस्सा जो है, ऊपर वाले हिस्से बिल्कुल आगे पीछे दोनों तरफ दिखने वाले अटैच करके हमने सिलाई लगाए, लेकिन ये नीचे वाले सिर्फ एक ये जाते पीस और ये कपड़े में हमने लगाया है, लेकिन ये पॉकेट का जो कपड़ा है इस पर हमने नहीं किया है। तो इस तरीके से इसको मिला के अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ये जो है इसका, इसको यहाँ से सीधा कट करना है और इसका इस तरीके से इसको कट करना है। कट करने के बाद अब इस पर हम इसका जो यहाँ पे लगाते हैं तान पीस वो लगा लेंगे। अब इस तरीके से इसका जो तान पीस है इसको इस तरीके से हमको यहाँ पे मिला के रखना है, देखिए, क्योंकि इसमें क्रीज नहीं है तो इसके वो जो सेफ्टी के लिए ये लगाना ज़रूरी है। इस तरीके से इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल आराम से इसको इस तरीके से मिला के यहाँ पे एकदम इस तरीके से एकदम साफ मिला के इसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे, ताकि हमें कोई फुलनेस धमक जैसा ना आए। यार इसको इसी तरीके से इसको हम यहीं तक पूरे सिलाई लेंगे, बाद में इसका आवश्यकता पड़े तो हम इसका थोड़ा सिलाई निकाल लेंगे। ओके, हम नाप के उसका क्या करना है वो नाप के हम बताएंगे आपको। इसी तरीके से इसको ये हो गया तो इसके ऊपर हम फलाई भी लगा लेंगे, ठीक है। फलाई के लिए यहाँ पे एक निशान है जो ऊपर से 7 इंची यहाँ पे मैंने मार्जिन लगाया है, यहाँ से यहाँ तक 7 इंची है इसका। तरीके से इसका ये फलाई लगाएंगे, ये वाले फलाई का तो मैंने आप लोग को पहले से ही बताया हूँ, लेकिन ये चिरुआ पॉकेट है इसीलिए इसको किस तरीके से चिरुआ क्रॉस पॉकेट बनाते हैं वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि चिरुआ क्रॉस पॉकेट काफ़ी फिनिशिंग दिखता है। तो इस तरीके से इसको हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम इसको हम इस तरीके से इसको कट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना होगा, मार्जिन कमर का निशान लगाना है, कमर का चौथा निशान लगाना है। यहाँ से इसका स्टार्ट होता है, यहाँ से ये फोल्ड होने वाला हिस्सा है, इसलिए वहाँ पे जितना फोल्ड होता है उतना ही हमको छोड़ना है। यहाँ से ये है 35.5 इंच का, देखिए 9 × 36, तो एक लाइन कम किया तो 35.5 इंच यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, 35.5। और इतना ये क्या होगा, तो हमारा ये इतना इसका सिलाई हिस्सा है, सिलाई का हिस्सा है। अब आप यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हल्के से घुमा के कट भी कर सकते हैं, और इसी को इतना ही यहीं के इसी के ऊपर रख के इसको आप सिलाई भी लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा ये नहीं है, इतना रखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा
ज़्यादा सिलाई करना है, और इसको थोड़ा निकाल के सिलाई यहीं से भी यहाँ नीचे तक आपको क्या कर सकते हैं, इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करना होगा दोस्तों, इस तरीके से अब इसको हो गया है, तो अब हम सेम दूसरे कपड़े को भी हमको इसी तरीके से पॉकेट बनाना है। इस तरीके से दोनों पल्ला का हम इस तरीके से सिलाई हमने इसको किया सेम तरीके से। अब इसका साइड हम इस पर जोड़ लेंगे, वो किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये इसका बैक है, इसमें भी मैंने ऑलरेडी वो बोला कर लिया है कि क्रॉस जो चिरुआ पॉकेट बना लेंगे बनाते हैं हम, चाहे क्रॉस पॉकेट का हो या सीधा पॉकेट का हो, साइड पॉकेट का जो भी हो, पहले से इसको ओवरलॉक करना होगा। अब इस तरीके से हम क्या करना होगा, इसका इसी हिस्सा से हम इसको ओवरलॉक कर लेंगे। यहाँ पे जो थोड़ा अटैच है ये इसको हम इस तरीके से अटैच खोल लेंगे, और जो ये सिलाई जो है, देखिए हमने मार्जिन लिया था जो इसका फिक्स कमर ये है, और ये इसका एक्स्ट्रा सिलाई है, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहाँ से इस तरीके से हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ये वाले पल्लो को छोड़ कर हम इसी को यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेंगे, और इसका जितना हमने सिलाई यहाँ लिया है सिर्फ सिंगल ये इसका जो जाते पीस हमने सिलाई उसी पर, और ये कप पकड़ का जो ये हमने छोड़ कर रखा है इसको छोड़ना है, और इसको बराबर करके जितना हमने सिलाई का वहाँ पे लिया है उसी का हम यहाँ इस तरीके से जितना लिया है वहीं तक हम इसको ले लेंगे। और देखिए दोस्तों इसका यहाँ पे जो अटैच है इसको इस तरीके से मिला के यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। जहाँ पे इसका डबल दिख रहा है यहाँ ये पाइपिंग वाले कई स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ पे आके हम इसको इस तरीके से डबल करना है। और देखिए जो यहाँ पे आ रहा है ना ये सिलाई का, ये जो हमने सिलाई यहाँ तक किया है इसको इस तरीके से यहाँ पे से मिलाना है, और ये वाले से इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ से हम इस तरीके से आराम से इसको यहाँ से सिलाई लगाना है बिल्कुल नीचे तक। इसको आराम से इसी को इस वाले को हम इस छोड़कर सिर्फ इसी को हमने सिलाई नीचे तक इसको आराम से सिलाई लगाना है बिल्कुल इस तरह का। इसमें कोई धागा जैसा दिख रहा है उसको कट करना है इस तरीके से, हमको आराम से नीचे तक इसको सिलाई लगाना है। और इस तरीके से इसको पूरे सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमको एक यहाँ से फिर यहाँ तक इसका जो ये सिलाई है इसी सिलाई पर ऊपर डबल सिलाई लगाना है ताकि थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो हम बिल्कुल ये सिलाई के ऊपर ही लगाना है, उससे कहीं नहीं सिलाना है। इसमें दो सिलाई दिख रहे होंगे आपको, ये वाले नहीं ये वाले नीचे वाले, इस तरीके से थोड़ा ये हम नी का मार्जिन तक सिलाई लेकर आए हैं, यहाँ तक इसको डबल सिलाई करना है। अब डबल सिलाई करने के बाद अब हमको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये इसको ये तो हमारा इस तरीके से हो गया है। देखिए इस तरीके इसको तो हमने सिलाई नहीं लगाया है, तो अब हमारा इस तरीके का पॉकेट बन गया है। देखिए यहाँ पे इस तरीके का पॉकेट बन गया है। अब जो ये है इसको हमको क्या करना होगा, आयरन से चीरना होगा, तो हम आयरन पर चलते हैं। अब इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे जब आपने ये बनाया इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आपको चीरना होगा।
इस तरीके से इसको आपको यहाँ से इसको बिल्कुल प्रेस से चीरना होगा। इस तरीके से आपको पूरा बिल्कुल आराम से इसको पूरा इसको यहाँ चीरने के बाद आपको देखिए किस तरीके से इसका चीरो ऑफ क्रॉस पॉकेट बन जाता है। वो इसको बिल्कुल आराम से इसको यहाँ इसको ऊपर इस तरीके से इसको थोड़ा नीचे तक इसको चीरना होगा। और आपको चीरने के बाद इसको इस तरीके से आपने इसके चीरने के बाद जो ये कपड़ा है इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के इसको ऊपर भी इस तरीके से आपको साफ करना होगा। इस तरीके से इसके ऊपर भी बिल्कुल आराम से साफ करना होगा। इस तरीके से इसको साफ करने के बाद और इसको इधर पलटना होगा। देखिए दोस्तों इधर पलटने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से चीरो पॉकेट बन रहा है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा डंपर से लाइट ना आ जाए कपड़े पर इस तरीके से इसके यहाँ पे बिल्कुल आयरन से इसको हम साफ कर देंगे। इस तरीके से इसको यहाँ इसके ऊपर साफ करना होगा। साफ करने के बाद ऊपर नीचे दोनों तरफ साफ करने के बाद बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। और आपका क्रॉस पॉकेट के जो पॉकेट का जो हिस्सा है वहाँ पे आपको सिलाई लगाना होगा। इस तरीके से आयरन से चीरने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से आयरन से इस तरीके से इसके चीरने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने आयरन ने इसको यहाँ तक हमने जो चीरने के बाद इसको हमको इस तरीके से इसको पकड़ना है और इसको इस तरीके से इधर पलटना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से पलटना है और इसके ऊपर इस तरीके से आराम से एक कम से एक फोल्ड करना है और इसका दूसरा फोल्ड यहाँ पे इस तरीके से करके इसी के ऊपर यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से आराम से मिला के दो फोल्ड करके इसके ऊपर से बिल्कुल आराम से सिलाई करना है ताकि बिल्कुल ये साफ हो जाए। इस तरीके से इसके ऊपर इसको आराम से मिला के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तब जाके ये बिल्कुल फिनिशिंग का सिलाई दिखने लगेगा। इसका ये जो भी चिरुआ हमने इसको साफ करके इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद
अब देखिए दोस्तों, इसका जो भी ये टुकड़े धागे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखने के बाद अब इसको यहाँ पे जो ये है देखिए, इस तरीके से इसका नीचे तो हम बाद में फिनिशिंग के बाद भी हम यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, सॉरी आयरन लगा सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ही हम इसको साफ करके इस तरीके से बिल्कुल सिलाई किया। तो सिलाई करने के बाद देखिए ये इतना फिनिशिंग के साथ ये चिरुआ क्रॉस पॉकेट आपको बिल्कुल दिख रहा है। इस तरीके से आप हर पैंट में अपना क्रॉस पॉकेट बिल्कुल चिरुआ बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और कुछ सवाल है तो कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो रहे हुए बेल आइकन है उसको भी सिलेक्ट कीजिए, और वहाँ पे ऑल ऑप्शन आप सिलेक्ट करके ऑल ऑप्शन भी प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपके तरफ आता रहे, आपको मिलता रहे। तो हम अगले वीडियो पर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।